मेरा नाम है जी ताहिर हुसैन, टीकरी ब्राह्मण से हैं और हम सारे गांव के सभी निवासी, टीकरी ब्राह्मण के सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए थे गांव की समस्या को लेकर के। कितने गांव के लोग? गांव में हम तीन गांव के लोग गए वहां पर, रहराना, चिरावटा और टीकरी ब्राह्मण। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो है बिजली की समस्या आई हुई है और उसके समाधान के लिए हम वहां पर गए थे जी। उन्होंने गांव की समस्याओं को, गांव की समस्या को उन्होंने थोड़ी देर तक के लिए पूछा था क्या समस्या है, तो माननीय सरपंच श्री सद्दाम हुसैन जी ने उन्हें सारी समस्या बताई और उन्हें लिखित में जो समस्या ज्ञापन है वो भी दिया। अच्छा, तो अब क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है जी कि हमारे गांव में हम बिजली से बहुत परेशान हैं। वैसे गांव जगमग योजना के अंतर्गत आ रहा है लेकिन फिर भी बिजली हमारे वहां पर आती नहीं है और बार बार लाइन में फॉल्ट हो जाता है, तो इस फॉल्ट को ठीक करवाने के लिए और जैसा कि गांव जगमग योजना में है 24 घंटा बिजली आने की जो वो है उसको लाने के लिए हम वहां पर गए हुए थे। हम चाहते हैं कि बिजली आए। यशपाल, हाँ जी, क्या कहेंगे जी? कहना है जी बिजली की समस्या के बारे में मंत्री के वहाँ गए थे और मंत्री जी ने हमारी सुनवाई की। अब आगे देखो क्या होगा, बिजली की मोटी समस्या है गाँव के अंदर। पहली बात तो आती नहीं है और आती है तो डिम आती है। अच्छा, बिजली ना आने से खेती बाड़ी में क्या नुकसान हो रहा है? सारा ही नुकसान है, खेती बाड़ी बिल्कुल वो खत्म हुई पड़ी है। हमने एक लाइन के लिए भी लट्ठा और तारों के लिए एक एप्लीकेशन दी हुई है, उस पर भी अभी कोई गौर नहीं हो रही, जो जंगल की लाइन है। तो हमारी ये समस्या हल है। जो टीकरी ब्राह्मण देवी साहे, हाँ जी, क्या समस्या है जी? समस्या बिजली की है जी, ना तो हमें 15 अगस्त को मिलती, ना हमें 26 जनवरी को मिलती, ना ही कोई त्योहार पे मिलती। 26 जनवरी जब भी आती है, 15 अगस्त जब भी आता है तो हम बिल्कुल ही गुल मिलती है, बिजली बिल्कुल भी नहीं मिलती। कभी से भी देख लेना आप, गणतंत्र दिवस बिजली डेली चाहिए बिजली। हाँ, वैसे तो डेली चाहिए मगर हमें उस दिन भी नहीं मिलती जो आजादी का दिन है, आजादी के दिन है वो भी नहीं मिलती हमें, और फिर जो त्योहार होता है उसमें भी नहीं मिलते। हमारे सारे रिश्तेदार पूरी रात जन्म रोते रहे और हम इतने परेशान हैं। आदरणीय जी के पास गए जी, तो मान्यवर के पास गए, अभी भी उन्होंने हमें दिल से तसल्ली नहीं दी है। हम परेशान होकर यहाँ से 150-200 आदमी बस करके गए, गाड़ी करके गए, लेकिन हमारा आश्वासन कुछ, हमें दिल की तसल्ली नहीं मिली है। कैसी होती दिल की तसल्ली? तसल्ली ये होनी चाहिए कि साहब बैठाते, हमसे बात करते, मगर उन्होंने तो एकदम ऐसे कह दिया कि मैं आऊंगा और वहाँ मिल लेना और वो कर लेना। तो अभी तो हमारा दिल, हमारा तसल्ली नहीं किया है। कितनी देर रहे थे वहाँ पर? हम रहे जी 1 घंटा रहे थे, 10 मिनट साहब आए और कोई 5-7 मिनट में हमसे बस झूठ वो कर करके बात और बस कह दिया कि तुम वहाँ जाओ। और कृष्णपाल जी मंत्री जी वहाँ से आ रहे हैं जी। अब हम क्या कहते हैं मंत्री? मंत्री जी ने कहा था कि मैं वहाँ बात करी है तुम्हारे वहाँ और मैं कल आऊंगा, वहीं आ जाना और वहीं बात करवा दूंगा तुम्हारी पलवल में जी। तो इसलिए हम परेशान बहुत ज्यादा हैं जी, ऐसा ना हो कि हमें अपने बच्चे बालक भी रोड पे लाने पड़े तो उसके जिम्मेवार हम पर लाठी चार्ज करवा दें, वो करवा दें। हम दुखी आत्मा से कह रहे हैं, हमारी आत्मा बहुत दुखी है। बिजली के बिल पूरे देते हैं पूरे महीने का, मगर बिल नहीं जाता, हमारी बिजली पास नहीं जाती 2 घंटे भी ढंग से। रात को बिजली थोड़ी बहुत आवे वो भी डिमाती है, पंखे चलते नहीं है जी। तो मतलब खट्टर सरकार के बिजली जाने से नाराज हो आप लोग? हाँ, नाराज तो अब फिलहाल तो नाराज ही चल रहे हैं जी। मतलब कोई बढ़िया बात नहीं करी, धमका के पड़ेगी वो, और कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं जो मतलब वो करनी चाहिए उन्हें, मतलब संतोष नहीं करी है क्या? जो हमारी जो समाज आई थी, जो बिरादरी आई थी, जो हमारी सरदारी आई थी, उनके लिए कोई उन्होंने गौर नहीं करी, ना ही कोई मतलब एक मतलब करी है। कृष्णपाल गुर्जर जी, हाँ जी, क्या बोले? ये बोले कि भाई कर देंगे, 4-5 आदमी आ जाओ, ज्यादा मत आना, आप जाओ, ज्यादा भीड़ मत करो। भैया क्या फिर आप लोग क्या संतुष्ट नहीं हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे अब, जैसे जैसे करने पड़ेगा, क्या करें? कैसे करना पड़ेगा? कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा।
हाँ जी वहाँ होकर गाड़ी पे होकर नहीं नहीं होकर आए जी। अभी क्या नाम है जी आपका? ईसव है। ईसव। अच्छा क्या कहोगे जी? कहेंगे जी अब हम ये गए सुबह सुबह से सारे गांव के जो है मौजूदा लोग हैं सारे जितने भी हैं हर समाज के लोग हैं और इसी मतलब रात भर बच्चे तिलमिलाते मच्छरों को इतना जोर है बिजली आती नहीं है और दुखी होकर जब सारे जो गए वहाँ मंत्री के पास तो मंत्री ने कोई मतलब संतुष्टि वाली बात तो हमारे समझ में आई ना जी। मंत्री केसरपाल के पास गए जी हमें कोई संतुष्टि वाली बात मिली ना तरकाने वाली बात मिली। क्या होगा जी अगला कदम? क्या होगा अगला कदम? देखो जी अब मतलब जो ये सारे जो है सोचेंगे क्या करना धरना देना है या प्रदर्शन करना है ये कोशिश करेंगे जी। अब सरपंच से पूछ रहे हो और सरपंच से पूछ रहे हो? मेरा नाम सद्दाम है जी। अच्छा कौन से गांव के सरपंच आप? सरपंच तो जी बहु है। अच्छा भाई बहु है। अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अच्छा, ब्राह्मण से। अच्छा, क्या कहेंगे? हम हमारे गांव में जो मेन जो समस्या है वो बिजली की समस्या है और ये जो बिजली की जो लाइन आ रही है खेतों में से होकर के गुजर रही है तो ये बहुत पुरानी लाइन है और इसमें आए दिन फॉल्ट हो जाते हैं। वो जो अपने JES जो वो भी अपनी कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि जिसे ऊपर से परमिशन लाओ कि जिससे लाइन बल दे और आपकी समस्या का समाधान हो। एक इससे खेतों के जो ट्वेल जुड़े हुए हैं इससे भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है जी। इससे वो पुरानी लाइन है रोज फॉल्ट हो जाता है। हमारे गांव में जो पीने का पानी है वो बिजली से ही चलता है। घरों में नल नहीं है वाटर सप्लाई है वो तभी चलती है जब लाइट आ जाती है। हमारा जब लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है। दोनों चीज़ों से समस्या है जी। हमने अपने लेवल पर यहाँ विधायक से भी कह ली अपने एक्शन साहब से भी कह ली SDO साहब परवीन डागर विधायक हैं। अच्छा। अब वो भी कहते हैं हम उनके पास जाते हैं जी कोई सुनवाई नहीं होती। हम तो इस वजह से मंत्री जी कृष्ण पाल के पास गए हैं हो सकता है इस समस्या का हमारा कोई समाधान हो जाए। आपके गांव में जो पशु बैठे वो कह रहे जी व्यवहार अच्छा नहीं किया बैठने को भी नहीं कहा पानी भी पूछा? नहीं नहीं व्यवहार तो ठीक है। पब्लिक ज्यादा थी वहाँ पर आती जाती रहती है पब्लिक। व्यवहार तो ठीक है व्यवहार की कोई बात नहीं। अच्छा तो आश्वासन क्या दिया उन्होंने? आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि जी आप कल मैं 12 सेक्टर आ रहा हूँ पलवल तो वहाँ आपके एक्शन साहब SC साहब और सारे अधिकारी होंगे आप वहाँ आओ वहाँ बैठ करके आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। और एक हमारे जो ऑटो स्टैंड से लेकर आर्य समाज मंदिर तक का जो रास्ता है उसमें हमारे तीनों गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल पढ़ता है और वहीं पर मस्जिद है और उसी रास्ते पर आगे चल के मंदिर है। उस रास्ते पर पानी भरा रहता है बारिश हो जाती है मतलब मोटरसाइकिल वाला भी नहीं निकल सकता वहां से इतनी ज्यादा समस्या। हमने उसकी भी मांग एक्शन साहब से 10 बार मैं पर्सनली मिला भी हूं लिखित में भी दिए विधायक साहब को भी दिया लिखित में और उन्होंने भी बोला है खटाना जी ने भी कहा है भी दूड़ी साहब सब ने कह लिया लेकिन वो कहते हमारे पास बजट ही नहीं है हम क्या करें। मैं 10 बार मिला हूं लेकिन वो रास्ते का काम भी आज तक नहीं हुआ हमारा। हमारे गाँव की सामूहिक समस्या है ये कोई एक आदमी की पर्सनल समस्या नहीं है कि हम अपनी खुद की समस्या लेकर गए मान ले कोई गली रास्ते की हम पूरे गांव की समस्या की तरफ से गए पूरे सामूहिक समस्या है हमारी 36 बिरादरी की तरफ से। ये कार है जी जो गए साइड में जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल Facebook पेज Instagram और Twitter हैंडल इसको आप लाइक फॉलो करें कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं जुड़ रहे हैं लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।